Come. रिक्वेस्ट करना है कि विलन ना तो थोड़ी शांति रख। ये कह रहे हैं कोई नहीं। प्लीज इधर आना, सामने आना तो पता कैसे चलेगा कौन वहाँ नीचे नीचे बैठ जाए। बस्ते के पास बैठ जाए। और पीछे भरत आपको भी पूछना, आप उधर आ जाओ, साथ में बैठे बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, पता नहीं चल रहा फिर यहाँ वहाँ देखना होगा। आ जाओ, अरे नीचे जमीन पे बैठने बेइज्जती थोड़ी होती है। किसको सीखना चाहिए को किस तरह से मतलब मैं समझा नहीं। अच्छा ओके, फिर लोगों का जो रिएक्शन है जिस तरह से आप कैरेक्टर प्ले किया, जी एक पॉलिटिशियन को समझना चाहिए कि कैसा होता है कि लोगों को लाना कैसा बचाना। एक्चुअली तो उस वक्त के कई पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा अच्छा काम किया। ऐसा नहीं है कि ये एक ही रंजीत कटियाल का काम था, ये बहुत सारे लोगों की एक जमा एफर्ट्स थी जब ये काम हुआ था। मैं बस इस बात से खुश हूँ कि लोगों को ये फिल्म अच्छी लगी, इस बात से खुश हूँ कि एक ऐसी चीज़ हमने सामने लाई जो लोगों को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, मुझे भी नहीं नॉलेज थी। 1990 में इतना बड़ा हादसा हुआ और किसी को इसके बात के बारे में किसी ने बात भी नहीं की, तो बहुत अच्छा लगता है जब एक रियल लाइफ को रील के पर्दे पे लाके लोगों के सामने रखें। और सबसे ज़्यादा ये भी है कि कई लोगों ने जब फिल्म देख के निकले तो उनका कहना है कि थैंक यू फॉर एडुकेटिंग अस अबाउट दिस। सो मी एंड निमृत ऑन बिहाफ ऑफ आवर आई कैन जस्ट से कि हम लोग वी आर फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ दिस फिल्म। ऐसी फिल्मों का मकसद ये नहीं होता कि एक बॉक्स ऑफिस नंबर आप ध्यान में रखें। आई थिंक जैसे अक्षय ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि लोग तो मैं ये कह रही थी कि इस तरह की फिल्म बनाने का मकसद ये नहीं होता कि आप बॉक्स ऑफिस नंबर्स पे ध्यान दें कि ये इतने करोड़ और इतना बिजनेस और ये मुझे बस यही बहुत ज़्यादा खुशी है जैसे कि अक्षय ने कहा कि लोग जो हैं वो थिएटर्स पे जा रहे हैं एक कंटेंट ड्रिवन फिल्म देखने के लिए। एक स्टोरी है जो एक एक कहानी है जिसको देखना लोग पसंद कर रहे हैं, अपना वीकेंड वहाँ पे बिताना चाह रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बहुत अच्छी बात है कि एक लोगों ने एक चॉइस करी है कि एक अच्छी फिल्म जाके वो देखेंगे। वो बहुत एक खुशी की बात है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ऐसा है कि देखिए जी, जैसे कि मैं बताऊं कि अब आप बताइए कि आपको बेबी पसंद है या राउडी राठौर? नहीं नहीं, एक ही बताना यार, तो बेबी है ना, तो अब बेबी का बिजनेस यहीं तक है, राउडी राठौड़ का ऊपर था। तो अब जैसे फिल्मों में गाने जैसे कमर्शियलिटी ऐसी फिल्मों में नहीं है, लेकिन ऐसी फिल्मों का यहाँ तक पहुँचना ही बहुत बड़ी कलेक्शन है, समझे ना। पहले फ़ोन पे बात कर ले, तो नहीं बात कर ले पहले, मज़े लेने आ जाए इधर यार। भाई हम बात कर रहे हैं, तू फ़ोन पर बात कर रहे हैं। हाँ जी सुनो, he was a very big director and an actor. Okay, and you cannot compare. What he did was is impossible for me to achieve. And Karan Johar have tweeted and they've gone to say that, you know, it's the best film of your career. So what do you have to say about that? Well, if they think so and
And even I think so, because looking at the kind of response I got on my mails and my Twitters and things like that, and my messages, even sometimes it surprises me also, and I'm very thankful. अक्षय सर आपने इस कैरेक्टर को निभाते सद्दाम हुसैन को कितना ऑब्जर्व कर पाए, उनकी सोच के माइंडसेट को किस तरह से ऑब्जर्व किया? ये फिल्म सद्दाम हुसैन साहब की नहीं है जी, ये फिल्म उनके उनका सोच और या उनकी बात नहीं है, ये फिल्म है अबाउट हम कैसे जो लोग फंसे हुए थे वहाँ से कैसे निकल के आए, ना कि सद्दाम हुसैन ने क्या सोच के अटैक किया था, उसके बारे में बिल्कुल डीलिंग नहीं है। कंग्रेचुलेशन, लाइक साल की पहली फिल्म और वेरी सुपर हिट यू कैन सी एक्चुअली, इट्स ओवरऑल इट्स अ गुड साइन ऑफ यू नो फॉर द होल इंडस्ट्री। यस सर, हाउ डू यू एक्सप्रेस योर सक्सेस एंड इस चीज के लिए आपने भी कितनी रिसर्च की थी? इनफैक्ट लाइक डायरेक्टर ने तो की थी पर जी डायरेक्टर ने जी, लेट मी आंसर योर क्वेश्चन टू द लास्ट वन, मैंने कोई इसमें रिसर्च नहीं की, डायरेक्टर ने कई लोगों से मिला जो फंसे हुए थे और उनसे मिला, बातचीत की, उनका माइंडसेट पढ़ा, वही मेरी रिसर्च थी, ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि मेरे डायरेक्टर इस फिल्म के साथ करीबन 3-4 साल से ऑलरेडी लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके भी कई रिश्तेदार, उनके भी कई लोग फंसे हुए थे उसमें, तो जितनी रिसर्च करनी थी उन्होंने की थी और जितना भी नॉलेज आया वो उनकी तरफ से ही आया। सर, साल की फर्स्ट फिल्म एक्चुअली जैसे अभी शुरू ही हुआ साल, इट्स गुड फॉर द इंडस्ट्री इन फैक्ट, व्हाट हैव टू से अबाउट दैट? आई होप सो, ये दिस कंटिन्यूज एवरी वीक, बिकॉज हमारी जो इंडस्ट्री है, मैं समझता हूँ लोगों को ये गलत फहमी है कि ये कोई सोने की चिड़िया की इंडस्ट्री है, आई थिंक मेरे हिसाब से ये इंडस्ट्री जो है इट इज़ स्ट्राइविंग ऑन एकदम बहुत कम हिट्स पे, आई होप कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे हिट्स आएँ, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत चीज़ें दे सकती है आपको, बट एट द मोमेंट दिस इंडस्ट्री इज़ गोइंग अंडर लॉस। अच्छा, सोशल नेटवर्किंग मीडिया पे हमने आपके बेटे आरव का एक दबसमास देखा, तो एक्टिंग करते हो तो हम ऐसा माने कि अब वो भी एक्टिंग की दुनिया में आने वाले हैं या अपने आप को अपने आप? जनाब, वो अपने दोस्त के साथ कुछ कर रहा था तो एक्टिंग नहीं कर रहा था, अभी आपने भी कोई बड़े डब स्मैश किए होंगे जिंदगी में, आप एक्टर बन गए? नहीं, तो हम ऐसा माने कि क्या वो कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं कर रहा वो अभी। अच्छा, हाउ आर यू हैप्पी एज एन एक्टर और एज अ प्रोड्यूसर आल्सो, लाइक हाउ यू? आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट दैट I got this opportunity for this lovely script. It came in my hand and I produced the script and I produced the film. I'm very very happy. I cannot main apni khushi bayan nahi kar sakta. Agar mera man kare to I would jump with joy that people have loved this film and they have enjoyed it and they have appreciated it. And aur saath mein ye bhi kahunga ki main un logon ka dhanyawad karna chahta hu jinhone ye film ko itna sahara hai, kyunki ऐसी फिल्में जो हैं हमारी इंडस्ट्री में एक सर्टेन अमाउंट पे आके अटक जाती है, यानी कि 40 करोड़ 50 करोड़ 60 करोड़ तक आके अटक जाती है, बिकॉज इन ऐसी फिल्मों में जैसे आप सभी जानते हैं कि गाने नहीं होते, हाँ इसके अंदर कमर्शियलिटी, कोई आइटम सॉन्ग नहीं होता, इसके अंदर कोई कॉमेडी नहीं होती, लेकिन ऐसी फिल्म को इस मुकाम तक ले जाना ही आई वुड से कि इट इज़ एक सेंसिबल लोगों की, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों के आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड दैट्स इट। मैं क्या वेल इट विल बी ग्रेट अगर टैक्स फ्री हो जाती है, लेकिन आई डोंट नो येट। कल हमने जब पब्लिक जो दिल में बैठ जाता है, जो चुप जाता है, जो लोग अंदर जो बैठ गए लोगों के जो रिएक्शन है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आप खुद के कितने सोच सकते हैं? देखिए, ऐसा होता है कि जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं तो वहाँ नेशनल एंथम चलता है, तो जब हम सब खड़े हो जाते हैं और जब हम फ्लैग अपने तिरंगे को देखते हैं लहरते हुए, तो अपने अंदर एक कुछ फीलिंग आ जाती है, जबकि उसके साथ कोई स्टोरी अटैच नहीं है, तो उसी के अंदर इतनी फीलिंग आ जाती है, तो वो लास्ट मिनट में जब तिरंगा लहराता है फिल्म के अंदर और उसके अंदर तो स्टोरी अटैच्ड है क्यों, एंड देन मुझे नहीं लगता, मैं ऐसा किसी इंसान को जानता हूँ जो इस वो जो लास्ट के 5 मिनट देखते वक्त चोक ना हो गया हो, कोई रोया ना हो, या कोई एकदम मतलब इट ब्रिंग्स, बिकॉज आई थिंक एक तिरंगा लहराना ही अपने अंदर एक ऐसा
ऐसी चीज़ बाहर लाता है, ऐसा कुछ लाता है जो हम एकदम चौक हो जाते हैं, क्योंकि हम तिरंगा इज इट इज़ सो जैसे कि इट इज़ द बेस्ट साइट आई हैव एवर सीन। इसके अलावा जो है लोगों ने ये भी कहा कि अक्षय ने देश को बहुत बड़ा तोहफा दिया है रिपब्लिक डे के मौके पर, तो इस कॉम्प्लीमेंट को आप कैसे लेते हैं? जी वैसे तो जितने भी लोगों ने इस बाकी जो 170,000 लोगों को बचाने में काम किया था उन्होंने बहुत सबसे ज़्यादा तोहफा दिया लोगों को। मैं तो ये कहूँगा कि मुझे एक इतना अच्छा तोहफा मिला ये फिल्म करने का, ये फिल्म प्रोड्यूस करने का, इस फिल्म के अंदर काम करने का, एंड आई एम हैप्पी कि लोगों को अच्छी लगी। लास्ट फिल्म भी अप्रिशिएट की गई और ये भी हिट हो रही है और लोगों को पसंद आ रही है, जब फिल्म हिट होती है अप्रिशिएट की तो क्या फील करती हैं आप? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि ये लंच बॉक्स को अभी कुछ 1.5-2 साल होने को आए हैं, तो एज अ सेकंड फिल्म पहली बात तो इस फिल्म के साथ जुड़ने का मौका मिला, अक्षय के साथ काम करने का एक अनुभव मिला, बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग काम सराह रहे हैं, काम उनको फिल्म अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, भगवान की बहुत कृपा। अक्षय सर, कल रिपब्लिक डे आया तो आप अपना रिपब्लिक डे किस तरह सेलिब्रेट करना चाहोगे इस बार? मैं और मेरा बेटा वी ऑल सारे नेबर्स मिलके हम तिरंगों को लहराते हैं एंड वी सिंग द सॉन्ग। दैट्स इट। एनी प्लान्स फॉर द थिएटर? यू रिसेंटली प्लेड अ क्यूपिड फॉर अस एंड यू वर द बेस्ट मैन एट अ वेडिंग, सो प्लीज टेल अस अबाउट द एंटायर। वेल, इट वाज अ ग्रेट अफेयर एंड इट्स मेक्स मी फील वेरी हैप्पी दैट टू ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड्स गॉट मैरिड टुगेदर एंड दैट्स इट। उसके बारे में बात करूंगा, एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा, मेरा बात नहीं कर सकता इस Back to back. I have not thought of it. It is too early for this kind of thing to think about it yet, and I don't have any script which I can release it on that day. Okay, sir. 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 Okay, sir.